हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। DRDO MTS 2020 के लिए GK की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है उसमें ये हमारा पार्ट 7 रहेगा। पार्ट 6 तक मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें मैंने 60 क्वेश्चन कराए थे। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। जितनी DRDO की वीडियो GK के लिए डाली है, आप सर्च करोगे DRDO GK बाय पूजा गर्ग, अगर मेरे नाम लिख के आप सर्च करोगे तो सारी की सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। 6 पार्ट हमने करने के बाद, कल संडे था, संडे को हमने रिविजन भी कर ली थी। 60 के 60 क्वेश्चन मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए। आप सबका स्कोर बहुत अच्छा था। कोशिश करना इस वीक में जो मैं ये 6 वीडियो 6 पार्ट और डालूंगी उसके 60 के 60 क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो, और इस संडे को जो आपका टेस्ट होगा 60 क्वेश्चन का, उसमें आपका जो स्कोर है वो 60 में से 60 आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि 30 दिसंबर को मिशन गवर्नमेंट जॉब पर आपको मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी मिलेगी। आज हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी मैथ की और रीजनिंग की। इंट्रोडक्शन की वीडियो में ज़्यादा टाइम लेने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो शॉर्ट में ही डाली थी। कल से हम चैप्टर वाइज सारी की सारी वीडियो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि अगर कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो आप सबको पता है कि शुरू शुरू में बहुत सारी दिक्कत आती है। ऑन बोर्ड हमने वीडियो डालना अभी शुरू किया है, इसलिए स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। 2 बजे वीडियो अपलोड करने लगे तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद वीडियो कम से कम 1 आवर के बाद अपलोड हुई थी, तो ये टेक्निकल फॉल्ट था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोग चैनल के साथ अपना सपोर्ट बनाए रखना, आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत जल्दी जितने भी ये टेक्निकल इशू है वो सारे खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मेरी रीजनिंग वाली वीडियो और सर की मैथ वाली वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर जरूर करना। GK मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कर रही हूँ, शाम को 7:30 से 8 के बीच में आपको GK की वीडियो मिल जाएगी। ऑनलाइन नहीं होती, हम रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर देते हैं। अभी ऑनलाइन आने वाला सेटअप जो है वो हमारे पास नहीं है, बहुत जल्दी हम वो वाला सेटअप भी लगा लेंगे, लेकिन अभी ऑफलाइन जो रिकॉर्डिंग करके हम अपलोड करते हैं आपको उसी से ही तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। अब कुछ बच्चों को पता होगा, क्योंकि पीछे वाले जो मैंने 6 पार्ट कराए थे उसमें से 1 या 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब आता है, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ तो उसके साथ मैंने इसका आंसर भी बताया था। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि इसके साथ मैं आपको इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी बता सकूँ, यानी कि अगर पेपर में आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाते हैं 11 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय पूछे तो 24 जनवरी को। ठीक है, एनआरआई डे कब मनाते हैं, तो एनआरआई डे मनाते हैं हम 9 जनवरी को, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं, हम 9 जनवरी को मनाते हैं। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं, तो यूनाइटेड नेशन को आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट है हमारा TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर TCS का हेडक्वार्टर है। जितने क्वेश्चन भी मैं करा रही हूँ आपको डिटेल में सुनने हैं, ताकि जब आपका संडे को टेस्ट हो तब आपका स्कोर 60 में से 60 रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है। एटॉमिक पावर प्लांट को ही न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। अब जो ये काकरापार है ये भारत के किस राज्य में है, तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट जो है, 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ओके, और गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सबकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। एक CM और गवर्नर की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी, तो वहां से आपको सारे CM भी याद हो जाएंगे और सारे गवर्नर भी याद हो जाएंगे। ओके, और राजधानियां मैं आपको साथ साथ में करवाई रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो संविधान की सेकंड अनुसूची मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताई थी कि संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है। वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आंसर आएगा आपका 12 अनुसूचियां हैं। अगर क्वेश्चन आता है जब हमारा संविधान बना था, यानी 26 नवंबर 1949 को कितनी अनुसूचियाँ थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, पीछे वाला रिवाइज करा रही हूँ मैं आपको। अब जो ये 12 अनुसूचियाँ हैं ये मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगी और पीछे वाला रिवाइज भी कराऊंगी।
दी आपको। 12 अनुसूचियों में से सेकंड अनुसूची मैंने आपको कराई थी, सेकंड अनुसूची में किसका उल्लेख था, पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख था। अब क्या है संविधान की तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा शपथ ग्रहण करने से। यानी तीसरी अनुसूची है कि शपथ जो लेते हैं हमारे सीएम और गवर्नर वगैरह जो शपथ लेते हैं उनका वर्णन है संविधान की तीसरी अनुसूची में। ओके, याद रखने हैं इतने क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी झील पूछे या विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे, दोनों का आंसर सेम होगा। इसका आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बताओ, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील पूछे या खारे पानी की पूछे, तब आपने आंसर देना है कैस्पियन सागर। अगर साथ में आ जाए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, और नील नदी का उद्गम स्थल कौन सी झील को माना गया है, विक्टोरिया झील को माना गया है। ओके, और अगर पूछे विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो सबसे ऊंची झील कौन सी है, टिटिकाका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। इसको आप याद भी कर सकते हो, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा ये टी टी, दो बार आए हुए हैं, टी टी को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, यानी टी के ऊपर टी लिखा है तो ऊंचा हो गया ना, तो विश्व की सबसे ऊंची झील पूछे तो आपको आंसर क्या देना है, टिटिकाका। ओके, नील नदी का उद्गम स्थल पूछे तो आंसर क्या देना है आपको, विक्टोरिया झील। खारे पानी की और सबसे बड़ी झील पूछे तो कैस्पियन सागर, और मीठे पानी की पूछे तो सुपीरियर झील। यानी कि एक क्वेश्चन उसके साथ मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं और 500 के 500 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगी इसकी पीडीएफ का, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और पीछे वाले सारे पार्ट आप लोग जरूर देख लेना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी जो है वो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, यानी कि नीति आयोग का वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। नीति आयोग का जो पुराना नाम था वो था योजना आयोग, यानी योजना आयोग का नाम चेंज करके, यानी प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या किया गया था, नीति आयोग किया गया था। और नीति आयोग का वर्णन हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखना संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग का वर्णन नहीं है, यानी कि ये गैर संवैधानिक है। अगर ऑप्शन में कोई भी आए तो आपका आंसर होना चाहिए कोई नहीं, यानी किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग का वर्णन नहीं है। और नीति आयोग या योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम होता है, ये भी याद रखना। अगर पूछे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ऑप्शन में आ जाएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर, इस प्रकार से, तो आपको आंसर क्या देना, प्रधानमंत्री जो होता है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है हमारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। ओके, नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, तो योजना आयोग हो जाएगा। और योजना आयोग के अध्यक्ष पूछे, पहले अध्यक्ष पूछे योजना आयोग के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मुख्यमंत्री यानी कि सीएम, सीएम का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहाँ से मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगी, 500 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ओके, सीएम का अनुच्छेद पेपर में अगर आए तो आपको याद रखना है, सीएम का अनुच्छेद होता है हमारा 164। अब 163 भी बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 163 में क्या लिखा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, जिसको हम मुख्यमंत्री बोलते हैं राज्यपाल में, यानी कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री होगा, इसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 163 में ही है। ठीक है, और जितना भी मंत्रिपरिषद है उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन किस में बताई गई है, 164 में बताई गई है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना आप, अगर 163 ऑप्शन में आए तो 163 दे देना, और 164 आए तो 164 दे देना। अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा, इसका अनुच्छेद बताओ, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 163। और मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है और मंत्रिपरिषद के बारे में जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है राज्य के मंत्रिपरिषद की, उसका वर्णन किस में है, 164 में। ठीक है,
और क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, 153 में किसका वर्णन है, 153 में वर्णन है राज्यपाल का, यानी हर राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा, यह संविधान के किस आर्टिकल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 153 में। ठीक है, 168 में किसका वर्णन है, 168 में वर्णन है विधानमंडल का, यानी कि विधानमंडल के सदन पूछे तो दो सदन होते हैं, एक हो जाएगा हमारा विधान परिषद और एक हो जाएगा विधानसभा, विधानमंडल का आर्टिकल हो जाएगा 168, विधान परिषद का है 169 और विधानसभा का क्या है 170, और विधान सभा में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो राज्य का प्रमुख होते हैं, जिसके साइन के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। तो सबके अनुच्छेद मैंने बता दिए, याद रखना मुख्यमंत्री का अनुच्छेद आए अगर ऑप्शन में 163 हो तो 63 लगा देना, अगर 164 मिले तो 164 लगा देना, क्योंकि अगर कहीं से भी कोई भी डाउट है, मुझे पता है कि एग्जामिनर जो होता है वहां पे कोई ना कोई डाउट वाला क्वेश्चन कई बार दे देता है, 163 164 में कई बार कंफ्यूजन रहती है, कई जगह आपको 163 मिलेगा, कई जगह आपको 164 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 164 इसलिए लिया है ताकि मैं ये डाउट आपका क्लियर कर सकूँ। ठीक है, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, तो ब्रिटेन की संसद का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटेन की संसद का नाम है। ठीक है, भारत की संसद का नाम संसद ही है और ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट, याद रखना, और जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट। अब कमेंट करके मुझे बताना कि कांग्रेस जो है वो किस देश की संसद का नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एनएचबी का हेडक्वार्टर यानी नेशनल, अगला क्वेश्चन इस फुल फॉर्म नहीं बताऊंगी क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मैंने यही लिया हुआ है, एनएचबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, और दिल्ली जो है कौन सी नदी के किनारे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना, यमुना नदी के किनारे हैं, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में यमुनोत्री से माना जाता है, तो यहाँ पे दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे हैं, एनएचबी का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में ही है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ही, एनएचबी की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ठीक है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितने आपके लिंक हैं उन सभी के अंदर इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनको भी इस कंटेंट का फायदा हो। ठीक है, थैंक यू।